अब घड़ी मिला लो बाबू, अब 8 बज गया होगा, मैडम आ गई हैं। अरे कंडक्टर बाबू, लगता है इस औरत को प्रसव की पीड़ा शुरू हो गई है, जल्दी से बस में जाने दो। बस रुक दो, जब तक मेरे आदमी बस में नहीं आएंगे बस नहीं जाएगी। इनका दर्द बढ़ रहा है, ऐसे बस को रोकना चाहिए क्या? बस को जाने दीजिए। इस गांव में रोड बनाने वाला मैं हूँ, इस गांव में सबसे पहले बस लाने वाला मैं हूँ, इस गांव का प्रेसिडेंट होने के नाते जब मैं कहूँगा तभी यह बस यहाँ से हिलेगी। तुम्हारे हाँ कहने तक इसकी यहीं पर डिलीवरी हो जाएगी। होनी है तो होने दो, सारी दुनिया देखेगी। छी, गांव के प्रेसिडेंट होते हुए भी ऐसे कहते हो, शर्म नहीं आती? शर्म कहेगी, इस गांव में, इस रोड पर, इस बस में किस औरत ने जन्म दिया किसको पता चलेगा? तुम्हारी बीवी या बहन इस दशा में होती तब भी ऐसा कहते क्या? भैया 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 भैया, ये आप क्या कर रहे हैं भैया, अच्छी खासी नींद खराब कर दी। औरत पे हाथ उठाते हुए आपको शर्म नहीं आती है? ये पूछने वाला तू कौन होता है? क्या रे, तूने कभी किसी को अपने हाथों से खाना खिलाया है? नहीं। खाना खिलाने वालों ने कभी हाथ नहीं उठाया और तू मुझ पर लात उठा रहा है। छोड़ मुझे, पकड़िए और वहाँ बैठ जाइए। तू बस में बैठने के लायक नहीं है, चल उतर नीचे। अरे मैडम जी, आप उनको लेकर अस्पताल जाइए, मैं इनको संभालता हूँ। लेकिन आपका सामान, राइट राइट, अरे अरे आपका सामान, आप रोज इस तरह पैदल चलती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे काम के अलावा गाड़ी में घूमना अच्छा नहीं लगता। नमस्कार मैडम जी। नमस्ते। नमस्कार मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आप लोग ये पानी कहाँ से लाते हैं? कोसों दूर से भर के लाना पड़ता है मैडम जी। इतनी दूर से? गांव में नल या बोरिंग नहीं है क्या? अगर होता तो हम सबको ये मुसीबत नहीं होती। पानी यहाँ पर सप्लाई करने के लिए कोई तो जरिया होना चाहिए था ना? नहीं है मैडम। नाला बनाने वाले, रोड बनाने वाले, बोरिंग बनाने वाले, जनता के पैसे खाने वाले बहुत लोग हैं इस गांव में। ड्राइवर, इनको जीप में बिठाओ। मैडम, आपको छोड़कर इन लोगों को, अगर सरकार अपना काम ठीक से नहीं करेगी तो कर्मचारियों को सजा भुगतनी ही पड़ेगी। आप लोग जाइए, सब लोग जीप में बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग मैडम। नमस्कार मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्कार मैडम। ड्राइवर जी, मैडम देवराज साहब से कैनल की फाइल लाने को कहो। ठीक है मैडम। देवराज जी, कैनल की फाइल लेकर बुलाया है। आप इतनी दूर से आई हैं, फैन तेज कर दूं क्या? जरूरत नहीं है। आपके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगा दूं? आप कर्मचारी हैं या नौकर? क्या है ये? गांव के विकास के लिए और वहाँ के किसानों के लिए नाला बनाने का कॉन्ट्रैक्ट बैंक से हमें मिला है। हमने जिन मजदूरों से काम करवाया था उनका 1,00,000 रुपया बाकी है। आप अगर छोटा सा इस पर साइन कर देंगी तो उनका पेमेंट हो जाएगा। नाला बन गया है? बन गया है मैडम। कल इंस्पेक्शन का इंतजाम कीजिए, फिर उसके बाद मैं इस चेक पर दस्तखत करूंगी। इसके पहले वाले ऑफिसर को, डू व्हाट आई से, यू कैन गो नाउ। यहाँ
मैडम जी मैं हूँ। उस औरत को बच्चा हुआ क्या? लड़का हुआ या लड़की? ये खून कैसा है? ये सब तो मामूली बात है, जब मैं उनसे लड़ रहा था तो चोट लग गई। लेकिन आपने मेरी बात का जवाब तो दिया ही नहीं। लड़की हुई है? हा? इसका मतलब लक्ष्मी माता आई है। सुनिए मैडम, मेरा बैग मुझे दे दीजिए। अंदर आकर ले लो। अरे बाप रे, पढ़े लिखे लोगों के ऑफिस में जाने में मुझे शर्म आती है, इसलिए खिड़की से ही बैग दे दीजिए ना। खिड़की से दे दूं? हाँ जी। इसमें सब कुछ वैसा ही है ना? इसमें है ही क्या? मेरा बहुत कीमती सामान है। चलता हूँ मैडम। तुम रहते कहाँ हो? पास के गांव में। क्या? ये नाला कहाँ चला गया समझ में नहीं आता है। क्या ढूंढ रहे हो तुम लोग? वही तो मैडम, 2 साल पहले 10,000 फीट का नाला बनाया था, वही अभी दिख नहीं रहा है। वो बंद कैसे हो गया समझ में नहीं आता। कहीं नाला गुम तो नहीं हो गया? छी मुंह बंद रख। मैडम यहाँ बहुत कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं, उनकी वजह से कचरा जमा होकर नाला बंद हो गया लगता है। जो बंद हुआ वो नाला नहीं है, तुम्हारी अक्कल है। अरे बापरे, यहाँ पर है। मैडम यहाँ देखिए, मिल गया। मैं तुमसे नाले के बारे में पूछ रही हूँ और तुम मुझे ये पत्थर दिखा रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ऐसा नहीं है मैडम, ये पत्थर रायडू जी ने लगाया है, यानी कि वो बहुत बड़े ठेकेदार हैं। हाँ तो? उनके सारे कारनामे इस फाइल में है मैडम। हाँ मैडम, मैं नाले के बारे में पूछ रही हूँ। उसके बारे में भी इस फाइल में लिखा है मैडम। वो नाला जो कहा गया था कि खुदा हुआ है वो नहीं है। उसकी रिपोर्ट भी इस फाइल में लिखी है मैडम। शट अप, इस फाइल में सब कुछ लिखा है मैडम। नाला हवा में उड़ गया या कोई चुरा कर ले गया? 1 करोड़, ओ माय गॉड, 1 करोड़ की हेरा फेरी, और तुम लोग बहाना करके मामले को दबा रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर के साथ हाथ मिलाकर जनता का हक छीन रहे हो। कौन है वो कॉन्ट्रैक्टर? कॉन्ट्रैक्टर तो रायडू जी है मैडम, वो रंगानाथ जी के रिश्तेदार हैं। उसे भगवान का भी रिश्तेदार होने दो। आई डोंट केयर हु इज दिस ब्लडी कॉन्ट्रैक्टर, आई से इमीडिएटली उसे नोटिस भेजो। अगर हफ्ते भर में उसका कोई जवाब नहीं आया तो उसे कहना कि कोर्ट में मिलेंगे। छोड़ दीजिए ना, प्लीज छोड़ दीजिए। नमस्कार सर जी। नमस्कार। स्नान का इंतजाम कैसा था? आप लोगों ने स्नान का अच्छा इंतजाम किया है। आपने उस दिन स्नान किया तो हमें 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, लेकिन अभी उस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए आपके स्नान का इंतजाम किया है। क्या है वो प्रॉब्लम? नई लेडी ऑफिसर आई है, वो नाला के बारे में पूछ रही है, वो सारी चीजों की डिटेल मांग रही है। नहीं तो वो लेडी कोर्ट में आने के लिए बोल रही है हमें। जानते हो ये क्या है? एक कमजोर बाल, वो भी इसी तरह है, देख लेंगे। ये लीजिए। इसको लिए बिना स्वस्थ नहीं रहूंगा, ऐसा सोच रही हो? तुम्हारे सेहत के बारे में सोचते हुए मैंने इतने साल गुजार दिए, फिर भी मेरी कोई इज्जत नहीं है। जब से मेरी शादी हुई है तुमने मुझे क्या सुख दिया? कभी एक दिन भी प्यार से बात की है? एक दिन भी साथ बैठकर खाना खाया है? क्या हम दोनों ने एक साथ कभी रात बिताई है? आप हमेशा मुझ पर शक करते रहे, ये सब मेरी बदनसीबी है। क्या हो गया बहन, तुम रो क्यों रही हो? अगर इस तरह से रोगी तो जीजा जी के मन को बहुत तकलीफ होगी। ये लो, तुम्हारे कहने के अनुसार मैंने डोनेशन के लिए चेक तैयार कर दिए हैं। तुमने जिंदगी में मुझे कोई सुख नहीं दिया, कोई बात नहीं, तुम जो डोनेशन देते हो उससे गरीब बच्चे स्कूल जा पाते हैं, भूखे बच्चे खाना खा पाते हैं, इतनी शांति मेरे लिए काफी है। तुम लोग जहां कहोगे, जिस कागज पर कहोगे, बिना सोचे दस्तखत कर दिया करूंगा। पैसे तुम चाहे जितने खर्च कर दो, लेकिन खानदान की इज्जत कभी मिट्टी में मत मिलाना। Thank you.
ऐसे क्या देख रही हैं आप? आरती के समय पर आया था ना, इसलिए दक्षिणा डाल दी। आप जैसे अच्छे ऑफिसर होंगे तो हमारे जैसे लोगों के लिए भी फायदा होगा। बड़े साहब कह रहे थे, इतनी बड़ी ऑफिसर छोटे से घर में कैसे गुजर बसर कर रही हैं? जानकर बहुत दुख हुआ है। पहले जो ऑफिसर आए थे वो हमारे बंगले में रहते थे, खाना पीना भी उधर हो जाता था। ये आपके लेबल के मुताबिक घर नहीं है। मेरा लेबल क्या है ये मैं अपने काम से बताती हूँ। हाँ मुझे पता है, आपका चेहरा सूर्य की तरह है, इसका मतलब सच्चा इंसान। आपकी निडर आंखें, इसका मतलब हिम्मत वाली औरत। आपने मेरा चेहरा देखकर बिल्कुल सही पहचाना है मुझे। देखना सुनाना अभी बहुत कुछ बाकी है। पहले यहाँ से सामान निकालते हैं, हमारा बंगला आपके लिए रेडी है, नहीं तो चौधरी साहब नाराज हो जाएंगे। कोई नाराज हो जाएगा इसलिए मैं अपने सिद्धांतों को नहीं बदलूंगी। गवर्नमेंट मुझे तनख्वाह देती है और उसमें कैसे रहना चाहिए मुझे पता है। दूसरे के घर में मुंह मारने वाले को कुत्ता कहते हैं। हर ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जाकर अपने बड़े साहब से कह दीजिए, जा सकते हैं। चलता हूँ। रुक जाइए, दक्षिणा लेकर आपका ढिंडोरा पीटना मुझे पसंद नहीं और मेरे भगवान को रिश्वत लेना अच्छा नहीं लगता। देश के सारे ऑफिसर आप जैसे हो जाएं तो हमारा देश अमेरिका जैसा हो जाएगा। अच्छे सिद्धांत हैं आपके। छोटे मालिक ने आप सबका दुख सुन लिया है, अभी हम अंदर जाएंगे और बड़े मालिक के सामने हाथ जोड़कर उनसे आशीर्वाद लेंगे और आपको दवाई दे देंगे। इस महान आदमी के सामने हाथ जोड़िए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, बाहर जाइए और ये सारी दवाइयाँ सबको दे दीजिए और जो पैसे मिलते हैं वो मुझे दे दीजिए। कुछ गड़बड़ हुई तो? फोटो में आपके पिताजी हैं, आपके बगल में मैं हूँ और बाहर आपके पेशेंट हैं। उनके तकदीर में जो लिखा है वही होगा। काम शुरू कर दीजिए पिताजी। मेरी रक्षा कीजिएगा। ठीक है, चलो 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 काम शुरू करते हैं। अरे इसकी तंदुरुस्ती के लिए दवा दे दे। ये लो भाई, आप पैसे दीजिए। चल जा। इसकी भैंस को बच्चा होने वाली दवा दे। हाँ ये ले, ये रही। पैसे लाओ, अब तुम आ जाओ। तुम आओ। मुर्गी को अंडे देने वाली दवा दे। ये लो। पैसे लाओ। खुशबू और बदबू की जिसे समझ नहीं है उसे दवाई बनाना मैंने सिखाया, कमाने का आइडिया मैंने बताया, लेकिन ये पैसा आप गिन रहे हो ये पैसा मेरा है। अरे 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 ये क्या कर रहा है? पैसे ले। तो मेरे सारे पैसे ले लिया? ओ ऐसा है क्या? हाथ आगे बढ़ाओ। ये 5 रुपया, ये लो टिप। ये तो बहुत अन्याय है रे। कल से मैं काम नहीं करूंगा। जा। फिर कल से क्या करेगा रे? मंडप बनाने का काम करूंगा, इससे अच्छा है। ये काम तुमसे नहीं होने वाला है। अब तुम नकारा और निकम्मा हो ये तो गांव वालों को पता है। तुम बिना जानकारी के लोगों को दवाई देते हो, इस चिटिंग में तुम पर केस हो सकती है। तुमने पैसों के लिए अपने बाप को मारा, ये है मर्डर केस। दोनों को भी ज्वाइंट किया जाए तो सीधा जेल में। दुनिया में किसी पर भी विश्वास कर लेना, लेकिन इस नौकर पर कभी विश्वास मत करना। अरे मेरे बाप मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मुझे जेल भेजकर मुझ पर ऐसा अन्याय मत कर यार। ठीक है, लेकिन आज के बाद जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा। आई प्रॉमिस। नमस्कार बड़े भैया। क्यों बे, हमसे उधार लिया हुआ पैसा लौटाने का नाम नहीं है और अपने बेटे की शादी करवा रहा है? पंचायत के फैसले के बाद आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। ए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मेरा पैसा अभी और यहीं पर चुकाना होगा। भाई साहब अगर इतना पैसा यहाँ खड़े खड़े चुकाने के लिए कहेंगे तो कहाँ से लाएंगे? तेरी बीवी के गले में जो मंगलसूत्र है उसे निकाल कर बेच दे और मेरा कर्ज चुका दे। भाई साहब तुझसे नहीं होगा, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद ही निकाल लेता हूँ। भैया 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 मंगलसूत्र को हाथ मत लगाइए। कौन है बे? तो एक अच्छा इंसान। अच्छा तो निकल यहाँ से। हुप। चल निकाल। ये गलत है भैया, मंगलसूत्र सुहाग की निशानी है, बुजुर्गों ने सिखाया नहीं आपको? हमारे बुजुर्गों के बारे में बात करता है तू? मुझे आगे बता दो। नमस्कार। रुक जाओ। तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? आपके बेटे ने गलती की थी इसलिए उसे मारा। जो गलती करता है उसको सजा देने के लिए बड़े चौधरी साहब ने पंचायत बनाई है। इस पंचायत के होते हुए किसी को मारने वाला तू कौन होता है? आखिर इसने ऐसी क्या हरकत की है जिसके लिए तुमने इसको मारा है? सक्सेना की बेटी की शादी करके अपने परिवार के साथ गांव आ रहे थे
उनके पिताजी का लिया हुआ कर्जा वो चुका नहीं पा रहे थे तो ये दुल्हन का मंगलसूत्र उतारने लगे, इसलिए मैंने इन्हें मारा। अरे नादान लड़के, अनाथ लड़के लड़कियों की शादी करवा कर मंगलसूत्र दान करने वाले, हमारे खानदान का बेटा कभी किसी का मंगलसूत्र छीन ही नहीं सकता है। कितना झूठ बोल रहा है तू। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप चाहो तो दुल्हन से पूछ लो। क्यों बहू, ये जो कह रहा है सच है? ये क्या सच बोलेगी, जो भी सच्चाई है वो मैं बताता हूँ। ये लड़की हमारे गांव में नई दुल्हन बनकर आई है। ये लड़का इन्हें बिना जाने पहचाने इनके पीछे पड़ा हुआ था। मैं रास्ते से गुजर रहा था और इसकी हरकतें देखकर मैंने इसे पूछा कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, तो मुझे जवाब देने के बजाय मुझसे ही झगड़ा करने लग गया, कोई बात ही नहीं सुन रहा था। झूठ है, ये जो भी कह रहे हैं वो सरासर झूठ है। सरपंच के बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, भगवान आंखें निकाल लेता है। आप सच बताओ ना दीदी, बताओ सबके सामने। ये झूठ बोल रहा है, छोटे बाबू सच बोल रहे हैं। हाँ यही सच है, मेरे पति जो बोल रहे हैं। सच बोल रहे? तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा इंसान। यहाँ उपस्थित लोगों में से किसी ने कहा कि तू अच्छा इंसान है तो मैं तुझे अवश्य छोड़ दूंगा। ए बूढ़ी दादी, क्या ये अच्छा इंसान है? एक भी आदमी ने नहीं कहा कि तू अच्छा इंसान है। हमारे गांव में आकर गांव वालों पर कीचड़ उछालता है, इसकी सजा क्या है पता है? इसको उल्टा लटका करके मारो। अगर दूसरे दिन ये जिंदा रहा तो खुद ही चला जाएगा, और मर गया तो अनाथ समझ के जला देना। रुक जाइए, ये अच्छा इंसान है, ये अच्छा इंसान है, मैं कह रही हूँ, इसे छोड़ दीजिए। एक ऑफिसर मैडम का इस अनाथ से कैसी पहचान है जान सकता हूँ? इससे आपका कोई वास्ता नहीं। बड़े साहब ने कहा है ना कि अगर किसी एक ने भी कहा कि ये अच्छा इंसान है तो आप इसे छोड़ देंगे, और उनका सम्मान करते हुए यहाँ पर आपके लिए न्याय करना गौरव की बात होगी। छोड़ दो इसको। अगर आप मुझे नहीं बचाते तो वो लोग मुझे बहुत मारते। अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। उस बिन माँ बाप के अनाथ लड़के ने तुम्हारे सगे बेटे और जमींदार के वारिस को कुत्ते की तरह मारा और तुमने उसे इतने आसानी से छोड़ दिया। उसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए ही पंचायत बिठाई थी, लेकिन उस ऑफिसर मैडम ने तुझे सजा देने का अधिकार नहीं है कह करके इसीलिए तुमने उसे छोड़ दिया। ऐसी बात नहीं है बहन, मैं वहाँ बड़े साहब की इज्जत के खातिर गया था। बड़े साहब, अब तक इस खानदान को चलाने और आगे बढ़ाने वाले तुम लोगों को ये सब सहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अपमान के बाद भी वो आराम से बैठे हैं, उन्हें तुम लोगों की कुछ फिक्र नहीं है, वो तो बस अपनी ही धुन में मस्त है। तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे जैसे नकारे भाई को मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस अब इसके आगे मत बोलना। जिसने मेरे बेटे को मारा है उस अनाथ लड़के को, और जिसने उस लड़के को बचाया है उस ऑफिसर मैडम को, मैं इस गांव में रहने नहीं दूंगा। क्या सोच रहे हो, खाओ ना। हाँ, हाथ आगे लाइए। हाँ? लाइए ना, अन्नदाता सुखी भव। हाँ खाइए, जो भी मुझे खाना खिलाता है वो हमेशा सुखी रहे, इसलिए पहलाने वाला उसी को खिलाता हूँ। वाह बहुत स्वादिष्ट है। वैसे मैं आपको क्या कह के बुलाऊं? मुझे देखकर तुम्हें क्या कहने का मन करता है? क्या कहने का मन करता है? आपको देखकर देवी कहने का मन करता है, लेकिन देवी दिखती नहीं है और आप दिखती हैं। कभी मन करता है ऑफिसर कह के बुलाऊं, लेकिन पोस्ट याद दिलाकर आपकी शांति भंग नहीं करना चाहता, तो क्या कहना चाहिए? सिमरन। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान काजोल को सिमरन के नाम से बुलाता था। आप तो काजोल से भी ज्यादा सुंदर है, इसलिए आज से मैं आपको सिमरन कह के ही बुलाऊंगा। क्यों, अच्छा नहीं लगा आपको? तुम्हें जो कहकर बुलाना है तुम बुला सकते हो। चुप
छोटा सा बीज कभी बन जाता पेड़ है, कैसे अनोखी तेरी लीला भगवान। छोटा सा बीज कभी बन जाता पेड़ है, कैसे अनोखी तेरी लीला भगवान। मैं हूँ अबोध मुझे बोध नहीं ज्ञान का, कैसे बन जाते हैं निर्जीव प्राणवान। तेरी ही रचना है धरती और गगन, तुझसे ही बना है हर प्राणी का जीवन। तेरी ही रचना है धरती और गगन, तुझसे ही बना है हर प्राणी का जीवन। तू ही जन्मदाता है, तू ही प्राण हरता, तू ही जन्मदाता है, तू ही प्राण हरता। सारी सृष्टि तेरी रची है, तू पालन करता, तू पालन करता, तू पालन करता। मेरे गाने से आपकी नींद खराब हो गई ना? मेरे अंदर यही तो बुराई है, खाना खाने के बाद जब तक मुझे नींद नहीं आती ना, तब तक मैं गाना गाता रहता हूँ और उसके बाद आराम से सो जाता हूँ। तुम्हारा गाना बहुत अच्छा है। अभी तो आधी रात हुई है और सुबह आपको ऑफिस भी जाना है, चलिए जाइए सो जाइए। मुझे भी नींद आ रही है, जाइए। भूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शंकरं शंभुमीशानमीडे। ओम नमः शिवाय। मैडम को हमेशा सुखी रखना। अब यजमान, ये मैडम रेवेन्यू ऑफिसर है, हमारे गांव में इनकी पोस्टिंग हुई है। नमस्ते। और अपने छोटे बाबू को जिसने मारा था वो लड़का यही है। ये कौन थे? आप दोनों ने उनको नमस्ते किया और उन्होंने आपको जवाब भी नहीं दिया, गूंगे हैं क्या? ये गूंगे उंगे नहीं है बाबू, एक समय था जब गांव के विकास के लिए इनके ऊपर जुनून सवार था। जहां भी इनके कदम पड़ते थे वो जगह पवित्र हो जाती थी। उस दिन सुबह सुबह सूर्योदय के समय ये मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए आ रहे थे। इनके साथ कुछ गलत संगति के लोग भी थे। उसी दिन इनकी शादी इसी मंदिर में हुई थी। उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, इनकी जिंदगी को ऐसा ग्रहण लगा कि ये एकदम शांत रहने लगे। सिमरन जी, पुजारी जी ने आधा ही नारियल वापस किया। ए पुजारी जी, रुको, ऐसा ही होता है। लेकिन नारियल आधा है। मैंने कहा ना, चलो। ए, सामान जल्दी बाहर फेंक। सुब्बा राव जी, ये सब क्या हो रहा है? आप सामान क्यों बाहर फेंकवा रहे हैं? मैडम जी, अब आप इस घर में नहीं रह सकती, कोई दूसरा घर देख लीजिए आप। ये सब क्या है? बिना बताए सामान बाहर फेंकोगे तो हम क्या चुप रहेंगे? ये अन्याय है। रामू, तुम शांत रहो। सुनिए, हम इस घर में क्यों नहीं रह सकते? हमें यहाँ से निकालने के लिए आपको किसी ने कहा है क्या? ये सब हमसे मत पूछिए मैडम, परिवार वाला आदमी हूँ। अगर उनके साथ मुझे खुश देखना चाहती हैं, तो आप कृपा करके यहाँ से चली जाइए। मैडम, आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं मजबूर हूँ। अरे सामान लेके जल्दी बाहर आ, जल्दी आ। बदकिस्मत साथ हो तो राजा भी रंक बन जाता है, बुजुर्गों का कहना है। मेरी वजह से आप बेकार में परेशान मत होइए, मैं ही इस गाँव को छोड़कर चला जाता हूँ। कहाँ जाओगे तुम रामू? इस तरह डर कर भागने वालों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। अगर हिम्मत हो तो हम चट्टानों को खोद कर भी घर बना सकते हैं, बस अपना इरादा मजबूत होना चाहिए। देखो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब जल्दी करो नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा। रामू, मुझे कब तक यहाँ पर वेट करना पड़ेगा? मैं अंदर आऊं क्या? रुकिए ना सिमरन जी, गाय का गोमूत्र देना शुभ मुहूर्त माना जाता है। अरे दे दो गाय माता, दे दो दे दो दे दो, अरे गोमूत्र दे दो माता। हाँ दे रही है, दे रही है, दे रही है, हो गया। हाँ आओ गाय माता, आओ। ओ हाँ, चलो जाओ। अरे आ, अब क्या हुआ? नए घर का सवाल है ना मैडम, इसलिए बहुत लफड़ा करती है, आपको पता तो है ना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या है? पंछियों के घोंसले, आपको इतना भी नहीं पता? पेड़ पे खाली लटके थे इसलिए यहाँ लाके टांग दिए। ये सारी चीजें आपको शहर में नहीं देखने मिलेंगी। चलिए आरती उतारता हूँ, आइए आ जाइए।
अब सबसे पहले दाहिना पैर आगे करके अंदर आ जाइए। हाँ, ये हमारा रिवाज है, ऐसा करने से घर में सुख रहता है। हे पंडित जी, हे पंडित जी, अरे ये आप क्या कह रहे हैं? ये जाति पाति का भेद क्यों फैला रहे हैं? ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। भगवान ने जब इंसान को बनाकर भेजा तो उसने कोई जात नहीं बनाई, कोई पात नहीं बनाई, वो सब इंसान ने बनाई है। हा, 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 हा। दुनिया में केवल दो ही धर्म है, एक अमीर का और एक गरीब का। जो धनवान है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो सुखी रहेगा, लेकिन गरीब कभी सुखी नहीं रहेगा। जब ऊपर वाले ने कोई भेदभाव नहीं किया तो हम ये भेदभाव क्यों करते हैं? लेकिन ये सारे सुख मायावी है। ऊपर से न तो कोई कुछ लेकर आया है और न लेकर जाएगा। खाली हाथ आया और खाली हाथ जाना। चलो भागो 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 मैडम। क्या कर रहे हो? चलो जल्दी जाओ। हाँ हाँ हाँ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। हाँ, अब देखता हूँ। रामू, ये क्या कर रहे हो? देखा ना सिमरन जी, कैसे धुएं के बिना ही आग लगा दी। आप मुझे कहती है ना कि तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। मैंने पूरी बुद्धि लगाकर इस किताब से पन्ने फाड़कर आग लगा दी बिना धुएं के, और आप कहती है मुझ में अकल नहीं है। देखा ना कितनी अकल है मुझ में। बस करो अभी, तुम बेवकूफ के बेवकूफ रहोगे। इतनी खूबसूरत कल्पना को मैंने इन पन्नों पर उतारा था और उसको फाड़कर तुमने आग में जला दिया। तुम्हें देख रही है तो मेरे मन में आग लग रही है। चले जाओ सिमरन जी, चले जाओ यहाँ से। रामू, यहाँ क्यों बैठे हो? बुलाए तो जवाब भी नहीं देते, मेरी आवाज सुनाई नहीं देती। मैं आपसे गुस्सा हूँ। तो क्या ऊपर नहीं आओगे? इसको कैसे मनाना है मुझे पता है। छोटा सा बीज कभी बन जाता पेड़ है, कैसी अनोखी तेरी लीला भगवान। छोटा सा बीज कभी बन जाता पेड़ है, कैसी अनोखी तेरी लीला रामू। रामू नहीं, भगवान भगवान। हाँ, मैंने आपसे कहा था ना नहीं आएगा तो मुझे बताना। मन मेरा ऐसा भुला, तू है दिल का बड़ा भोला। रामू, अब क्या हुआ मैडम? ये कैसा काम किया तुमने? ठीक ही काम तो किया है मैडम, कपड़े सुखाने की जगह ज्यादा नहीं थी इसलिए पहले आपके कपड़े सूखने के लिए डाल दिए। शायद से धोते समय ये साड़ी तुमसे फट गई। हाँ? तुमने ध्यान नहीं दिया क्या? मुझे पता नहीं चला। ये साड़ी मेरी नानी ने मेरी माँ को दी थी, इसे मैंने अब तक संभाल कर रखा था। मेरी माँ इसे मेरी बहन को देने वाली थी, लेकिन मैंने इसे छिपा कर अपने पास रख लिया था। क्या हुआ भैया? आप लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? क्या बात है, पानी क्यों नहीं लेने जाते? 10 घंटे तक इस तालाब से कोई पानी नहीं ले सकता। आ? अरे रामू, रायडू की बेटी अभी नदी में नहा रही है, उसका स्नान होने तक कोई भी पानी नहीं ले जा सकता, इसीलिए पाबंदी लगी है। पाबंदी लगी है? क्या बात कर रही है, आपके नहाते समय कितने लोग पानी लेकर गए हैं? हाँ, और ऐसा कुछ है तो आंख बंद करके पानी लेते हैं। चलिए आइए आइए मेरे साथ। सुपर सुपर स्टाइल। वाओ, जैकी चैन टाइप। वाओ, सुपर स्टंट। अरे बाप रे, सीधे समुद्र से तालाब में आ गए क्या? अरे बाप रे,
हे भगवान। यू आर अ रियल हीरो। ऐसा शॉट मारने वाले हीरो को मैंने तो सिटी में भी नहीं देखा। आपने आंखें क्यों बंद कर ली? मुझे शर्म आ रही है। I like you very much. इसका मतलब क्या? इसका मतलब। और अब ये क्या है? ये है चाहने वालों को चाहने वाले की तरफ से तोहफा। चाहने वालों को चाहने वाले की तरफ से तोहफा। सिमरन जी, मैं आपको बहुत चाहता हूँ, फिर भी मैंने आपको कभी तोहफा नहीं दिया। चलो अभी दे देता हूँ। इतनी रात हो गई है, यहाँ बैठकर क्या सोच रहे हो? चलो खाना खा लेते हैं। सिमरन जी, जरा जरा आइए। हाँ, जरा यहाँ पर बैठिए। अरे खड़ी क्या है, बैठिए ना सिमरन जी, बैठिए। अरे अरे जरा इधर देखिए। सिमरन जी, जब आप हंसती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। आप हमेशा ऐसे ही हंसती रहिए। क्या तकलीफ है तुमको? उल्टियाँ हो रही हैं। जरा हाथ दिखाओ। किसी से प्यार करती हो क्या? दो लोगों से करती हूँ। दो लोगों से? इसके लिए मेरे पास दवा नहीं है। किसी एक के प्यार के बारे में सोचो और उसके साथ शादी कर लो। ठीक है तो फिर जाने दो। बापरे। मालिक, मालिक, आप क्यों रो रहे हो मालिक? मुझसे गलती हो गई रे, बहुत बड़ी गलती हो गई। इसमें गलती की क्या बात है? आप अपने पिताजी के कारोबार को आगे बढ़ा रहे हो, और वैसे भी आपके पास जो इलाज करा कर गया है उसमें कोई मरा तो है नहीं, तो फिर इसमें दुखी होने की क्या बात है? मेरी परेशानी वो नहीं है रे। अब तक मैं बिना काम धंधे के आवारा गर्दी करता रहा। उसी बीच एक औरत को देखा और प्रेम करने लगा। मैंने किसी को भी नहीं बताया, यहाँ तक कि पिताजी को भी नहीं बताया, और उससे शादी कर ली। शादी भी कर ली? चलो ठीक है, आगे बोलते रहिए। हाँ रे, वो एक बहुत सुंदर कहानी है, प्रेम कहानी। चलो मैं चलता हूँ। रुक, जाता कहाँ है? क्यों रे, हीरोइन की कहानी सुनेगा, हीरो की कहानी सुनेगा, एक कॉमेडियन का फ्लैशबैक नहीं सुनेगा? ठीक है, सुनता हूँ। उस लड़की के साथ शादी करने के बाद मैं बहुत ही खुश था, और उस दिन सावित्री, सावित्री, अरे कहाँ जा रही हो तुम? तुम चली गई तो हमारी जरूरतें कौन पूरी करेगा? हमें अच्छी अच्छी सब्जियाँ कौन खिलाएगा? फूल गोभी देखता हूँ तो तुम्हारा चेहरा याद आता है, टमाटर देखता हूँ तो तुम्हारे गाल याद आते हैं, ए बीच में मत बोल, लौकी देखता हूँ तो तुम्हारी कमर याद आती है। ऐसे छोड़कर चली जाओगी तो हमारा क्या होगा सावित्री? तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी, मैं अपनी जिंदगी सुकून से जीऊंगी, और तुम भी खुश रहना, दुखी मत होना। हे भगवान, हे अल्लाह, तुमने इस बुड्ढे से शादी कर ली है भगवान। अब बुरा मत मानिए, आइए भगवान, आइए। अभी चार गलियों से होकर जाना है। चार गलियों से जाना है? पहली गली में तुम्हारे ऊपर उंगली उठ गई। क्या हो गया जी? क्या हो गया पूछती हो? इतने बड़े आदमी के साथ शादी करके तुम जा रही हो, और एक पागल चिल्लाता है सावित्री। वो कहता है टमाटर देखकर तुम्हारे गाल की याद आती है, गोभी देखकर तुम्हारे चेहरे की याद आती है, और लौकी देखकर तुम्हारी कमर की याद आती है। मतलब सारी सब्जियों में तुम्हारी छवि देखता है, और आनंद लेकर तुम्हारे ख्यालों में रहता है। क्या इसका मतलब आप मुझ पर शक कर रहे हैं? शक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान रखना। तुमको और उसको जैसे थोड़ी भी तमीज नहीं है, वो मेरे सामने आकर तुम्हारे लिए ऐसा बोलता है। देखो, तुम्हारा और मेरा आज से कोई संबंध नहीं है, डाइवोर्स था आटा। रुक जाइए जी, रुक जाइए, आप मुझ पर शक कर रहे हो ना? जब आपको अपनी गलती पे पछतावा होगा, और जब तक आप मेरे पैरों पर गिरकर माफी नहीं मांगोगे, मैं आपकी शक्ल नहीं देखूंगी। और वो इस तरह चली गई। ऐसी चरित्रवान पत्नी पर मैंने बेकार ही शक किया, इसीलिए आज तक पछता रहा हूँ। इसीलिए उसके पैरों में गिरकर क्षमा मांगकर उसे वापस लाना चाहता हूँ। अब है मेरी शॉल से पूछ रहा है? ये आपका फ्लैशबैक था, इसलिए आपके शॉल से आंसू पहुंच रहा हूँ। अच्छा, पुरानी प्रेम कहानी, शादी और फ्लैशबैक। अगर तुम दोनों मिल गए तो मेरा क्या होगा? इस जन्म में तो तुमको मिलने नहीं दूंगा। देखिए, आप लोगों की तकलीफों को मद्देनजर रखते हुए
सरकार ने गांव के लिए लाखों रुपए सैंक्शन किए हैं, लेकिन शायद ये बात किसी को पता नहीं। उसकी वजह ये है कि कुछ लोग नाला ना खुदवा कर सारे पैसे निगल जाना चाहते हैं। अरे बाप रे, अगर पैसा निकल जाएंगे तो हजम नहीं होगा। अब मैंने इस मामले के बारे में कोर्ट में अर्जी दी है। इन कागजात पर आप दस्तखत कर दीजिए, बाकी सब मैं संभालूंगी। ठीक है रामू? हाँ। इन लोगों से दस्तखत ले लो। आइए आइए, एक एक करके सब लोग आइए। हाँ, सब लोग लाइन लगाइए। हाँ, साइन करना आता है ना, करो। चलो लाइन लगाओ। जैसे मैं, हाँ चलो तुम आओ। क्या रे सुब्बा राव, इतने बड़े मर्द पैदा हो गए यहाँ कि मेरे खिलाफ ये लोग दस्तखत करने के लिए तैयार हो गए? जिस हाथ से दस्तखत किया है उसे संभाल कर रखना तुम लोग, कहीं ऐसा ना हो कि किसी काम के लायक ना रह जाओ। रामू, समझ गए ना? अब निकलो, चलो निकलो, निकलो यहाँ से, चलो। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा घर है, लगता है बहुत पैसे वाले हैं ये लोग। आइए आइए, वो लोग डराए तो डरना मत। आहा, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। ऑफिसर मैडम और उनका नौकर साथ में आए हैं? ए! कोई खास वजह? बड़े साहब से मिलना है। बड़े साहब से मिलने के लिए पहले इजाजत लेनी पड़ती है। किससे लेनी पड़ेगी? मुझसे। बड़े साहब से मिलना चाहते हैं। आज उनका मौन व्रत है, वो किसी से बात नहीं करेंगे। तुम्हें जो भी बात करनी हो मुझसे करनी पड़ेगी। गांव के कुछ लोग बड़े साहब का नाम लेकर गलत काम करते हैं। नाला बनाने के प्रोजेक्ट में कुछ लोगों ने 70-80 लाख का फ्रॉड किया है। पूछने पर वो बड़े साहब का नाम लेते हैं। अगर वाकई ये काम बड़े साहब का है तो मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी, और अगर इससे उनका कोई वास्ता नहीं है तो उन्हें लिख कर देना होगा। तुम्हें रोज खेलना होगा, सिर्फ पूर्णिमा को या अमावस को खेलने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें रोज खेलकर मेम साहब के बालों में सजना पड़ेगा, इसीलिए तुम्हें रोज पानी और खाद डालता हूँ। तुम्हारी समझ में नहीं आता और मुझे शर्म नहीं आती। बुरा लग गया क्या? चलो पानी डाल के ठंडा कर देता हूँ। रामू, इधर राजा, इधर राजा। चाता भाई, रजनी भाई, बड़की भाई, छुटकी भाई, ये क्या है, क्या है ये? हाँ, तुम सबकी सब बुढ़िया मिलकर यहाँ पर क्यों आई हो? अच्छा काम है इसीलिए आए हैं। अच्छा काम है तो तुम भी तो कर सकती हो। ये काम तुम ही कर सकते हो। ये बात है तो मैं करने को तैयार हूँ। अरे मैडम, मैं इन बुढ़ियों के साथ जा रहा हूँ। अच्छा काम है, करके अभी वापस आता हूँ। अगर देर लग जाए तो घबराना मत, वैसे मैं जल्दी से जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगा। क्यों रे बेटा, इतने में ही थक गए? क्या अच्छा काम बोल के इतनी दूर पैदल चलवा दिया? क्या पूरा पहाड़ चढ़वाने का इरादा है? पहाड़ पर नहीं बेटा, पेड़ के ऊपर देख। पेड़ पर क्या है? खुश रहो, ये आपको बहुत खुशी हुई बेटी। बहुत खुशी हुई बेटी। अरे सोने जैसी बेटी है। चलो हमारा भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। तेरी तो, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? रामू, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। मेरा काम करोगे? बिल्कुल करूँगा, लेकिन आप मुझे खाना खिलाएंगी ना? फुल मील या हाफ मील? इसका मतलब? मतलब पूरा खाना खाओगी या आधा ही खाना खाओगी? हम लोग पूरा खाना ही खाते हैं। तो मेरी आँखों में आँखें डाल कर देखो। आँखों में आँखें डालने के लिए बोल रही है? क्या ये भी कोई काम होता है? हो भी सकता है। हाँ, देखिए मेरी आंखों में। शहर वाली मेम साहब, आपकी आंखों में मेरी दो दो फोटो नजर आ रही है। मेरे दिल में तुम्हारा ट्रिपल फोटो प्रिंट हो रहा है। रामू, आई वॉन्ट टू किस फ्रॉम यू। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो पसंद होता है उसे किस देते हैं। सिमरन जी तो मुझे बहुत पसंद करती हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। कैसे देते हैं ये सोच रहे हो रामू? ये क्या कर रही हैं आप? मैं जो बोल रही हूँ वो करो। मुझे डर लग रहा है। डोंट वरी, मेरे हाथ पर कांप रहे हैं। डोंट फियर, पसीना भी निकल रहा है। नो टेंशन। ये आप क्या करें? पहली बार ऐसा ही होता है। छोड़िए ना, मुझे लगता है कुछ गलत होने वाला है। रामू, आई वॉन्ट टू किस फ्रॉम यू।
गिव मी रामू प्लीज। रामू आई वांट टू किस फ्रॉम यू, 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 आई वांट रामू किस फ्रॉम यू। रामू? हाँ बताइए ना, क्या बात है मैडम? कल रात को नींद में तुम कुछ अंग्रेजी में बोल रहे थे। वो क्या है ना, आजकल मैं आपके साथ रहता हूँ ना, इसलिए शायद नींद में अंग्रेजी बोलने लगा हूँ। हाँ। अच्छा ये बात है। हाँ। तो मुझे ये बताओ कि तुम सपने में क्या देख रहे थे? क्यों नहीं, वो क्या है, बात यह है कि जिसको पसंद करते हैं उसको देते हैं ना। जिसको पसंद करते हैं उसको देते हैं? आप तो पढ़ी लिखी है ना, आपको कैसे नहीं पता? मुझे नहीं पता। ये पढ़ी लिखी होकर नहीं बोल सकती तो मैं कैसे बोल दूं? सुनिए ना मैम साहब, मेरी कसम खाकर कहिए। क्या? मैं आपके लिए बाकी सबकी तरह हूँ। मतलब? क्या आपको मेरे साथ हर सुख दुख बांटना अच्छा लगता है? हाँ। क्या आपको मेरी अच्छी बुरी बातों पर गुस्सा आता है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब? मतलब मुझे ना तुमको आप मैं पसंद करती है। मुझे बुलाया? खबर भेजी है? मैं अपनी जबान से नहीं कह सकता। कोई बात नहीं, बताओ। सबसे पहले तो आप जैसी खूबसूरत लड़की से शादी की और शादी करके आपको छोड़ दिया और मुझे जोर से चाटा मारा और कहा कि मेरी कोई शादी नहीं हुई है। हाँ? और जब भी कोई खूबसूरत लड़की चेकअप कराने आती है तो उसकी सीधे नाड़ी पकड़कर कैसी कैसी हरकतें करते हैं और उनकी कमर पकड़कर सीधे उनसे शादी की बात करते हैं, उनसे सीक्रेट टेस्ट करना है कहकर उन्हें अंदर कमरे में ले जाते हैं और फिर बाद में ये टेस्ट वो टेस्ट यहाँ का टेस्ट वहाँ का टेस्ट दुनिया भर के टेस्ट कर औरत को टेस्टी बना देते हैं। और जब भी मैं उनसे कहता हूँ कि ये गलत है तो उल्टा मुझे कुत्ते की तरह मारते हैं। तुम ऐसे इंसान के साथ काम क्यों करते हो भैया? उनके पिताजी को वचन जो दिया था। लेकिन अब तो छोड़ सकते हो ना? क्या करे, पापी पेट का सवाल है। वो भी ठीक है, जब आप उनके सामने रहेंगी तो मुझे पक्का यकीन है वो सुधर जाएंगे, ये सोचकर मैं आपको लेने आया हूँ। उस नीच इंसान के पास इस जन्म तो क्या, किसी भी जन्म में नहीं जाऊंगी। यही तो चाहता था। कुछ कहा आपने? मैं तो कह रहा था कि आप एक बार फिर से सोच लीजिए। चुपचाप यहाँ से चले जाओ और उससे कहना कि मैं उसकी शक्ल कभी नहीं देखना चाहती। पहला डोज सक्सेस। नमस्कार साहब। ए शास्त्री, तुम्हारे मेम साहब कहाँ हैं? जी अंदर हैं। मुझे उनसे बात करनी है, तुम सब लोग बाहर जाओ। क्या आपको पता नहीं कि अंदर आने से पहले पूछ लेना चाहिए? बिन बुलाए अपनी मर्जी से कहीं पर भी जा सकता हूँ। ऑफिसर हमारा काम करते हैं और अपने ऐशो आराम के लिए जो भी चाहिए वो हमारी चौखट पर आकर हमसे लेकर जाते हैं। तो आप चाहते हैं मैं बाकी ऑफिसर्स की तरह आपकी चौखट पर कुत्तों की तरह खड़ी रहूं? रायडू साहब से जो पंगा लेता है वो बर्बाद तो हो ही जाता है और मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहता। अगर तुम गुलाब का फूल बनकर रहोगी तो उनकी कोर्ट की जेब पर हमेशा सच कर रहोगी। गेट अप एंड गेट आउट आई से। अरे बाप रे, ऑफिसर मैम साहब को तो बहुत गुस्सा आ गया। चुपचाप अपना काम करो और कुछ बोलना नहीं, उनके काम में दखल दोगी तो जान से मारी जाओगी। ये क्या बदतमीजी है? वो नाले की जो फाइल है वो दबी रहने दो, समझे? हाथ हटाओ। अगर हमारा कहा मानोगी तो गहनों से सजा देंगे, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने कहा हाथ हटाओ। मैंने जिंदगी में आज तक जिस भी औरत पर हाथ रखा है उसकी इज्जत हमेशा बची रही है। हाथ हटाओ। रामू। क्या बात है मैडम, ऐसे गुस्से में क्यों बुलाया, बताइए ना। एक ग्लास पानी लेकर आ। हाँ अभी लेकर आता हूँ। आराम से मैडम, इतनी जल्दी क्यों कर रही है, अरे ठसका लग जाएगा। थैंक्स। ये वो फोटोग्राफ है जिसमें नाला दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं, ये जगह खाली है।
इन पर उन ऑफिसर्स की सिग्नेचर है जिन्होंने कंफर्म किया कि वहाँ पर नाला है। आई सी। ये उनको दिए गए चेक के डिटेल्स हैं और ये सब उन्हीं से रिलेटेड रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स। आई सी। और वो लोग सारे पैसे कुत्ते की तरह खा गए हैं। अब इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए सर? उन जालिमों को अरेस्ट करने के लिए मुझे परमिशन दीजिए। ओके, गो अहेड। क्या है इंस्पेक्टर साहब, यहाँ कैसे आना हुआ? तुम लोगों को अरेस्ट करने का वारंट लेकर आए। अरेस्ट? हम लोगों को? लगता है गलत एड्रेस पर आ गए। नहीं, करेक्ट एड्रेस और करेक्ट लोगों के पास आए हैं। ऑफिसर मैडम, तुम अपनी जुबान कंट्रोल में रखो। इसी वजह से मैं पुलिस को अपने साथ लेकर आई हूँ। आप हमें हमारा जुर्म बताएंगी? सरकार की तरफ से मिला कॉन्ट्रैक्ट पूरा किए बिना पूरे 65 लाख रुपए खा गए हैं आप सब लोग, इसीलिए। ये अन्याय है, ये झूठ है, ये गलत है। हमें सब नहीं पता। सरकार का पैसा खाने वाला पहले हर एक जानवर यही कहता है। ऑफिसर मैडम, अगर आप हमको अरेस्ट करवाएंगी तो इसका अंजाम क्या होगा, इसके बारे में सोचा है आपने? सलाखों के पीछे तुम्हारा क्या होगा, इसके बारे में सोचो। ऑफिसर मैडम, मैं उन बाकी ऑफिसर्स की तरह नहीं हूँ जो तुम्हारे दरवाजे पर खड़े रहकर तुम्हारे तलवे चाटूंगी। सिमरन मतलब फियरलेस माइंडेड। क्या रे, गायों को चारा डाला क्या? नहीं मालिक। क्यों नहीं डाला? पैर दबाने के बाद डाल दूंगा मालिक। अच्छा ठीक है, पैर दबाने के बाद याद से डाल देना। ठीक है मालिक। क्या रे रामू, पैसे गिनता हुआ कहाँ जा रहा है? बड़ा हीरो बना घूम रहा है, कहाँ जा रहा है तू? शहर जा रहा हूँ। शहर किस लिए? हाँ? इसको क्यों बताऊँ कि मेम साहब के लिए साड़ी खरीदने जा रहा हूँ? अरे क्या सोच रहा है तू? क्यों बताओ, तुमने सुबह क्या क्या खाया, दोपहर में तुमने क्या किया, मैंने तुमसे पूछा क्या? नहीं पूछा ना? नहीं, नहीं। तो तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। अबे पागल हो गया क्या, कैसी बातें कर रही है? हाँ मालिक। चल पैर दबा। ऑफिसर मैडम, ऑफिसर मैडम, वहाँ मंदिर के पीछे कुछ लोग रामू को बुरी तरह से मार रहे हैं। रामू, रामू, रामू। तुम्हारा रामू नहीं है, हम लोग हैं। बड़े साहब ने हमारी बेल करवा दी है। आज द्रौपदी वस्त्र हरण है, आज तो चीर हरण होगा। हम भी दान मांगने आए हैं, तुम अपने कपड़े उतार कर हमें दान दे दो। चुपचाप अपने कपड़े उतारो, अगर नहीं उतारोगी तो हम सब लोग जोर जबरदस्ती से तुम्हारा वस्त्र हरण करेंगे। मैम साहब, Come on!
नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मेम साहब बहुत दर्द हो रहा है, कितना भी बड़ा घाव हो पर मेरे लेप लगाने से वो बहुत जल्दी भर जाएगा। मेरे शरीर पे जो घाव है उसे शायद तुम्हारा लेप भर भी देगा, लेकिन मेरे अस्तित्व पे जो घाव लगे हैं उसको तुम कैसे भरोगे? मेरे पास इस घाव का इलाज भी है, आपका दुख कैसे दूर करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें सबक सिखाने के लिए और इस जगह से तुम्हें रायडू साहब के पास लेके जाने के लिए। उस दिन तो तुम बच गई थी लेकिन आज नहीं बचने वाली। रामू, मेम साहब आपने मुझे बुलाया? ये इंसान जो यहाँ पर खड़ा है इसका हाथ काट दो। कर मैडम ने सिर्फ हाथ काटने के लिए कहा, दोबारा कभी उनके करीब जाने की कोशिश की ना तो तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। रामू। हाँ बोलिए मैम साहब। मेरे कहने पर तुमने उसका हाथ काट दिया, क्यों किस लिए ये पूछना तुमने जरूरी नहीं समझा? आपने जो कहा वो सही होगा, इसमें न्याय होगा और धर्म होगा। इतना ही नहीं, आप कहो तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। सब्जी बहुत अच्छी बनी है, थोड़ी और दीजिए ना। ये क्या मेम साहब आपकी आंखों में आंसू? आप हंसती है ना तो बहुत अच्छी लगती है, आप रोती हैं तो मुझे भी रोना आ जाता है। ये आंसू नहीं है, भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा दिल दिया है, बस यही सोच कर ही खुशी के आंसू आ गए। मैम साहब, ये क्या? मैंने कहा सब्जी अच्छी और ये बिना दिए ही चले गए, अब मुझे ऐसे ही खाना पड़ेगा। अगर वो रामू हमारा इसी तरह हाथ पैर तोड़ता रहा तो गांव में कोई बुड्ढी भी हमको सलाम नहीं करेगी।
अगर आप इस तरह खामोश बैठे रहेंगे तो हमको तो चूड़ियां पहनकर घर में बैठना पड़ेगा सर। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? इस तरह से मुंह छिपाकर क्यों बैठे हो? कब कैसे क्या करना है मुझे अच्छी तरह पता है। मुझे मत समझाओ, कुत्ते की तरह खामोश रहो। नमस्ते रामू जी। नमस्ते। नमस्ते बेटा, जीते रहो। हे भगवान, ये सबको क्या हो गया है? नमस्ते। सब मुझे नमस्ते क्यों कर रहे हैं? मैम साहब, मैम साहब। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। मैम साहब, क्यों इतना चला रहे हो रामू? मैम साहब, मैं क्या करूं, मुझे गांव वालों से बहुत डर लग रहा है। अब क्या हुआ? अब क्या बताऊं क्या हुआ है, गांव वाले मेरे पीछे पड़े हुए। लेकिन गांव वालों ने किया क्या? अब मैं आपको क्या क्या बताऊं। जब मैं यहां पर आ रहा था ना, तो एक औरत मेरे सामने आई और मुझे नमस्ते करने लगी। दूसरी औरत आकर के मेरी आरती उतारने लगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और तो और, एक आदमी ने आकर मुझे ये माला पहना दी। मेरी तो जान ही निकली जा रही है। तुम्हें पता है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं पता। क्योंकि तुमने उस राक्षस का हाथ तोड़ा। उनके अंदर जो उसका डर बैठा था उसे तुमने मिटा दिया। वो लोग अब तक अन्याय सह रहे थे, तुम्हारे रूप में उन सबको भगवान नजर आता है, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। क्या सच में? यकीन नहीं होता। इतना ही नहीं रामू, तुम्हें और बहुत कुछ करना है, मैं सच कह रही हूँ। और क्या करना है? तुम्हारे पास ताकत है, मेरे पास दिमाग है, अगर हम दोनों मिल जाएं तो इस गांव का भला हो सकता है। पहले गांव का भला, फिर देश का भला। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे समझ में आएगा, तुम्हारे पास दिमाग जो नहीं है, यहाँ पर भूसा भरा हुआ है। अरे मैम साहब, आपने बालों में ठीक से धुआं नहीं लिया है, उनमें गुच्छे पड़ जाएंगे, मेरी बात सुनिए। बहुत कठिन है डगर पन घटे की, झटपट भर लाओ। ए बुढ़िया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेम साहब ऑफिस का काम घर पे नहीं करती, आपको पता नहीं है क्या? इतनी जोर से बात क्यों कर रहे हो, और कौन हो तुम? आप मुझे नहीं जानती, एक अच्छा इंसान। एक अच्छा इंसान। बहरी मेम साहब, मैं थोड़ी देर के लिए घर के बाहर क्या गया, कोई भी घर पे आके बैठ जाता है। बाहर बुढ़िया कौन बैठी है? कौन बुढ़िया? अरे वही जो बाहर बैठी है। ए धीरे बोलो, तुम्हें पता है वो कौन है? कौन है, कौन है? वो औरत मेरी माँ है। मतलब मेम साहब की माँ जी? मेम साहब की माँ जी, नमस्कार माँ जी। यहाँ नहीं, बाहर जाकर करो। जाता हूँ। अरे मैंने आपको देखा तभी समझ गया था कि आप मेम साहब की माँ ही हो सकती हैं। आहा, आपकी आंखों की ये कांति, आपके चेहरे का ये तेज, और भला किसका हो सकता है। आहा, आप बैठिए ना। आपके बारे में और क्या कहूँ, आपको देखकर आपके चरणों में गिरने का मन करता है। ये क्या कर रहे हो, खड़े हो जाओ। नहीं, पड़े रहने दीजिए। उठ जाओ ना बेटा। नहीं, पड़े रहने दीजिए। बेटी से समझाओ ना। रामू, बहुत हुआ, आप खड़े हो जाओ। ज्यादा हो गया क्या? अरे बेटी, इतना शरीफ, सीधा साधा ये लड़का कौन है? ये बहुत ही अच्छा लड़का है माँ, और ये अब मेरे साथ ही रहता है। और हाँ माँ जी, आप जो भी कहेंगी ना मैं वो कर दूंगा। अरे बेटा, बस स्टेशन पर दो ट्रंक पेटी, एक बैग है, एक थैला है, और कुछ छोटी मोटी चीजें भी हैं, वो तुम बस स्टैंड पर जाकर लेकर आ सकते हो। दो पेटी, एक बैग और एक थैला। बेटी, मैं तो तुमसे हमेशा मिलने नहीं आ सकती, लेकिन इतना अच्छा आदमी तुम्हारे साथ रहता है, ये देखकर खुशी हो रही है। अरे बाप रे, लगता है जोर से लग गई। रामू, उठो। शहर वाली मैम साहब, आप? या क्या, आप भी ना, शहर वाला होता तो मर गया होता, गांव वाला हूँ इसलिए अभी तक बचा हुआ हूँ। आपके साथ ये सब लोग कौन है? ये मेरे रक्षक और सैनिक हैं। ये लोग सैनिक हैं? आपका प्रेम भी अजीब है, पहले बुढ़ियों को भिजवाया और अब इन बच्चों को लेकर आ गए, कमाल की हैं आप भी। उस दिन
मेरा भाई आया ये कहकर तो तुम बच निकले थे, लेकिन आज नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। अरे नहीं छोड़ दीजिए, अरे मुझे जरूरी काम से जाना है। आज तो नहीं जाने दूंगी, उस दिन जो काम अधूरा रह गया था उसे पूरा करना पड़ेगा। आज ही करना पड़ेगा, नहीं कर पाऊंगा। फिर कब करोगे? आपके जन्मदिन पर। वो तो अगले महीने है, तो फिर ठीक है। जब रात को मेरे घर आओगे तो जो मांगूंगी उसे देना पड़ेगा। हाँ दे दूंगा। सच में? अरे रामू, ये मंगलसूत्र किसका है? मेरा है। तुम्हारा? हाँ माँ जी, जब मैंने होश संभाला था ना तो अपनी कमर में बंधा हुआ देखा था। क्या? लेकिन अब मुझे ये लगता है कि जरूरत पड़ने पर ये काम आएगा। मेरी तो दो ही जान है, एक मेरे शरीर में और दूसरी उसमें। मेरा अपना कहने को कोई नहीं है ना, इसीलिए उसे अपना समझता हूँ। पता है माँ जी, वो सोने का है, मेम साहब की शादी में काम आएगा, इसलिए बचा के रखा है। हाँ। नाला नहीं खोद करके सरकार के साथ धोखा किया गया है, इसलिए यह कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जाता है। और सरकार ये कॉन्ट्रैक्ट किसी को भी दे सकती है। सरकार ने राइडू को जो भी पैसे दिए हैं, वो पैसा राइडू और उनके साथियों ने सरकार को नहीं लौटाया तो उनको 10 साल की सजा हो सकती है। और बड़े साहब की मंजूरी से ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था, पैसा नहीं लौटाने पर उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। अब क्या करने का इरादा है? अभी मुझे कुछ भी नहीं पता, इस मुश्किल से आप ही छुटकारा दिला सकती हैं। तुम जाकर चेकबुक लेकर आओ। ऑफिसर मैडम, ऑफिसर मैडम, ऑफिसर मैडम। मेम साहब आप इलेक्शन में खड़ी हुई हैं क्या? ऑफिसर मैडम, ऑफिसर मैडम, ऑफिसर मैडम, ऑफिसर मैडम, ऑफिसर मैडम, ऑफिसर मैडम। रुक जाइए, आप लोग ये नारा क्यों लगा रहे हैं? आपके अच्छे कामों के लिए। हाँ। मैंने ऐसा क्या किया है? मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। भगवान ने आपको हमारे कष्ट दूर करने के लिए ही भेजा है। हम सोचते थे कि हमारे गांव का भला होगा। अरे बेटी, तुमने एक लड़की होकर इतना अच्छा काम किया है, इसलिए मैं तुम्हें हार पहनाना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा बेटी। मुझे हार मत पहनाइए, हम सबको एक दूसरे का साथ देना है और गांव का भला करने के लिए हम सबको मेहनत करनी है। हम सबको मिलकर इस गांव का भला करना है। मुझे आप सबका साथ चाहिए। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे अपनाया और सम्मान दिया, इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करती हूँ। चलो सुनो, चलो चलो, ये किसके लिए लाया था? आपके लिए। मेम साहब जिंदाबाद, मेम साहब जिंदाबाद, मेम साहब। उसने जो हमारा अपमान किया है उसकी वजह से हम सर उठाकर नहीं चल पा रहे हैं। अगर उसने हमारे पोल खोल दिए ना तो कहीं भागने की जगह नहीं मिलेगी, आत्महत्या करनी पड़ेगी। अब बहुत हो गया, गांव में या तो हम लोग रहेंगे या तो वो रहेगी। औरत है, सोचकर उसको छोड़ दिया था, लेकिन वो हमारे गांव में घुसती ही जा रही है। हवाएं भी मुझसे इजाजत लेकर मेरी तरफ रुक करती हैं। अब तुम लोग देखते जाओ मैं उसको कैसे रोकता हूँ। ये सब क्या है? इतनी जल्दी है, जगह खाली करके जा सकती हो, चली जाओ यहाँ से। ये जमीन बड़े साहब की नहीं सरकार की है, हम क्यों खाली करें? हमारे साहब ने जमीन को खरीद लिया है, ये लो पेपर। अगर आज के आज ही शराफत से जमीन को खाली नहीं किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, याद रखना। चलो रे। क्या हुआ मेम साहब, ये सब क्या है और ये लोग क्यों आए थे? बड़े साहब ने ये जमीन खाली करने के लिए इन गुंडों को भेजा था। कौन बड़ा, कौन बड़ा और किसका बड़ा? जब उन्होंने पहली बार घर खाली करवाया था, अगर तभी उन्हें जवाब दे दिया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। जिस दिन उन्होंने कंधे पे हाथ रखा था, अगर उसी दिन हमने उनका हाथ काट दिया होता तो वो बलात्कार की कोशिश नहीं करता। अगर उसकी हर हरकत पर हमने उसी समय उसे मुंह तोड़ जवाब दे दिया होता तो आज हमारे खाने की हालत नहीं होती। मैं उसे जान से मार दूंगा। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, अपने सगे बाप को मारने जा रहे हो? हाँ बेटा, वो मंगलसूत्र देखकर ही मैं समझ गई थी कि तुम बड़े साहब के बेटे हो। मतलब वो नीच मेरा बाप है? नहीं बेटा, तुम्हारे पिता नीच इंसान नहीं है, देवता इंसान है। तुम्हारी माँ लक्ष्मी देवी हमारे गांव के जमींदार की इकलौती बेटी थी। मैं उनके घर पे काम करती थी। वो कार्तिक पूर्णिमा का दिन था।
मुझे अच्छी तरह से याद है वो दिन। पहली नजर में तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को पसंद कर लिया, एक दूसरे की आंखों में देखा और प्यार हो गया। दिल ही नहीं, उनके शरीर भी मिल गए और तुम्हारी माँ गर्भवती हो गई। तुम्हारी माँ ने यह तय किया कि वो ये सारी बातें बता देगी, इसलिए वो रंगनाथ जी को ये बातें बताने के लिए उनके घर गई। तब हमने देखा कि तुम्हारे पिताजी अपने पिताजी की जान बचाने के लिए किसी दूसरी औरत के गले में मंगलसूत्र बांध रहे थे और तुम्हारे पिताजी की इज्जत बचाने के लिए तुम्हारी माँ वापस आ गई। तुम्हारी माँ ना अपने घर जा सकती थी और ना ही आत्महत्या कर सकती थी, क्योंकि तुम उसके पेट में थे। कितनी तकलीफें सहने के बाद उसने तुम्हें जन्म दिया। तुम्हारी माँ का दुख मुझसे देखा नहीं गया और मैंने तुम्हारे पिताजी को जाकर सारी हकीकत बता दी। तुम्हारी माँ के बारे में जानकर तुम्हारे पिताजी बहुत खुश हुए। तुम्हारी माँ के साथ उन्होंने जो गलती की थी उसका पश्चाताप करना चाहते थे, इसलिए गांव के बाहर शिव मंदिर में तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी माँ के साथ शादी कर ली। रायडू को यह शादी पसंद नहीं थी। वो खुश होने का नाटक करते हुए तुम्हारी माँ को दूध में जहर मिलाकर पिला दिया और तुम्हारे पिताजी को बड़े प्यार से वहाँ से लेकर चला गया। और तुम्हारी माँ ने मरते समय कहा कि ये मेरा मंगलसूत्र मेरे बेटे की कमर में बांध देना, ताकि मेरे बेटे को दुनिया पाप की निशानी न समझे। तुम अपनी माँ की चिता पर रो रहे थे और वो रायडू तुम्हें मारना चाहता था, और मैं तुम्हें वहाँ से लेकर किसी तरह भागी। बस मैं तुम्हें किसी भी हालत में बचाना चाहती थी और तुम्हें बचाने के लिए मैं पानी में कूद गई। उसके बाद मैं बेहोश हो गई, फिर क्या हुआ मुझे पता नहीं। तुम्हारे बैग में मंगलसूत्र देखकर मैं समझ गई कि तुम रंगनाथ और लक्ष्मी के बेटे हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई। पता है मैंने क्यों नहीं बताई? क्योंकि जानती थी रायडू कितना खतरनाक इंसान है। उसकी शैतानी मैंने अपनी आंखों से देखी है, इसलिए नहीं बताया। रामू, जब मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती थी तब भी मैंने तुम्हें सहारा दिया, और आज जब पता चला कि तुम रंगानाथ जी के बेटे हो तो मुझे और खुशी हो रही है। और जैसा कि माँ ने बताया, तुम्हारी जान को अब और ज्यादा खतरा हो सकता है। मेरी बात मानो, जब तक सही समय नहीं आ जाता तब तक तुम चुप रहो। अरे बाप रे, इतनी खूबसूरत औरत को ये कालू राम ने कैसे छोड़ दिया? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे हाथ लगा रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने ऐसी हरकत जानबूझकर नहीं की। मैं तो आपको यह एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आपका पति जब दूसरी औरतों के साथ ऐसा करता है तो उससे उनको कितनी तकलीफ होती होगी। मुझे माफ कर दो। क्या मेरे पति इतने गिर गए हैं? अरे इससे ज्यादा गिर गए हैं मालकिन। टेस्ट टेस्ट बोल के कितनी औरतों को गर्भवती बना दिया है उन्होंने, और जो लोग उनके पास अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं तो उनमें से कितनों को गलत दवा देकर उनको मार डाला है। और मैंने कहा कि ये सब मैं आपकी पत्नी को बता दूंगा तो बोलते हैं जाओ जाकर बता दो, वो कितनी पवित्र है मुझे पता है, मैं उसे भी मार डालूंगा। उन्हें कैसे सबक सिखाना है मुझे पता है। उन्होंने सावित्री का प्यार देखा है लेकिन उसका कहर नहीं देखा। आज मैं बताऊंगी मैं क्या कर सकती हूँ। उनकी मौत मेरे हाथों लिखी है। या ऑपरेशन सक्सेस, अब मजा आएगा, ये तो मेरी चम्मच चलो बनेगी। Thank you.
तेरी मेम साहब को घर खाली करने के लिए बोला तो उसने हम सबको ही दुनिया से खाली करने के लिए भेजा है क्या? कुछ बोलता क्यों नहीं? वो इस तरह से अपनी जुबान नहीं खोलेगा। चार लगाओगे तो अपने आप सब बक देगा। रुक जाओ। इस लड़के को क्यों मार रहे हो तुम लोग? चोरी करने वाले को ऐसे छोड़ देंगे तो ये अच्छा नहीं होगा जीजा जी। सबक तो सिखाना ही पड़ेगा ना। नहीं नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। अगर तू चोर नहीं है तो एक जमींदार के घर पर एक आवारा लड़का इतनी रात को क्या करने आया है? अरे देख क्या रहे हो, इसके मुंह से सच उगलवाओ। मैंने उसे यहाँ बुलाया है, आज मेरा जन्मदिन है इसलिए मैंने उसे यहाँ बुलाया था। बेटी तुम ये क्या बोल रही हो, सच या झूठ? बेटी ने बोल दिया ना, अब इस लड़के को यहां से जाने दो। चोट कैसे लगी? तुम कहां गए थे? मुझे पता है। मैं अनाथ नहीं हूं, मेरे भी पिता हैं। उन्हें देखना चाहता था, सिर्फ एक बार देखना चाहता था अपने पिता को, और देखा भी, लेकिन उन लोगों ने मुझे चोर समझकर बहुत मारा। बैठ जाओ। रामू, हम सबको अपने पिता से पहले अपनी माँ मिलती है, इसीलिए माँ को देवी का रूप कहते हैं। और तुम्हारे पास माँ नहीं है, ये तुम्हारी बदनसीबी है। गांव वाले जिसे भगवान मानते हैं वो एक अनाथ है, वो इस बात को कैसे मानेंगे? क्या सबूत दोगे उन्हें? कैसे साबित करोगे? बड़े साहब के घर पर जाकर अगर तुम सबसे ये बात कहोगे तो कौन तुम्हारा विश्वास करेगा? यही बात सोचकर तो हमने तुम्हें मना किया था। तुम्हारी जान की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, और सबसे ज्यादा मेरी जिम्मेदारी है। सब कुछ समझ गए ना?
उसके कुर्सी पर बैठते ही उसके सर पर जोर से मारना, सर फटना चाहिए, समझ गए ना? लगता है वो लोग आ गए। अरे आओ ना। मुझे शर्म आ रही है। अरे क्यों शर्म आ रही है? शरारत मत करना। अरे छोड़ो, चलिए आइए। अरे आइए। कैसे हैं आप? क्या हुआ जी? कुछ नहीं हुआ, मुझे शौक लगा था। आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। अरे क्या हो गया, क्यों मारा तूने? देखिए आप नाराज मत होइए, ये सारा इंतजाम मैंने किया है। जब आपके पिताजी मर रहे थे उस वक्त इसने उनको एक घूंट पानी तक नहीं दिया। पानी? और इसने उनके सारे गहने और पैसे कहीं छुपा के रख दिए हैं। हमारे बीच गलतफहमी पैदा की, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। पानी? अरे दे 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 दे। तुझे प्यास लगी है ना? अगर मैं तुझे पानी पिला दूंगा तो बच जाएगा ना? बच जाऊंगा। और अगर नहीं दिया तो मर जाऊंगा। तो ठीक है, मेरे पिताजी का खजाना तूने कहाँ छुपा के रखा है बता दे, मैं तुझे पानी दे दूंगा। आपके घर के पिछवाड़े बोरिंग के पास गाड़ा है। ठीक, अब तू मर जा। सावित्री, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। डॉक्टर साहब, आप मुझे अपने पाँव में कुत्ते की तरह रख लीजिए, लेकिन मुझे एक और मौका दीजिए। पानी, पानी दीजिए, पानी। आकर नारायण 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 नारायण। मैं बच गया। मेरी जान, मेरी सोना, मेरी प्यारी। गंदी नजरों से मत देख, उधर मुकर। मेरी प्यारी। सुनो, मैं अगर सही पहचान रहा हूँ तो बड़े मालिक तुमसे मिलूंगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था ये कैसा आश्चर्य हो गया। मैं बहुत खुश हूँ आज। सुनो सुनो, मेरा बेटा कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ ही था ना, कहाँ है मेरा बेटा? मैं उसके बारे में नहीं जानती। मैं सालों से आज ही के दिन इस मंदिर में आता रहा हूँ, क्योंकि आज ही के दिन मैंने अपनी बीवी और बच्चे को सालों पहले यहीं पे खो दिया था। इस आशा के साथ आज नहीं तो कल वो लोग मुझे जरूर मिलेंगे। और देखो, भगवान ने इतने सालों बाद आज मेरी सुन ली। मुझे पता है मेरा बेटा भी मुझे जरूर मिलेगा। बताओ, मुझे बताओ मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? बता दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मुझे बता दो, बता दो, बता दो मेरा बेटा कहाँ है? ये आप क्या कर रहे हैं बड़े मालिक? ऐसा मत कीजिए, आपका बेटा यही है। हाँ बड़े साहब, जो मेरे बेटे के घर पे रहता है वही आपका बेटा है। वो रामू जिसको सभी अनाथ कहते हैं? हाँ बड़े साहब। नहीं, वो अनाथ नहीं है, मेरा बेटा है, मेरी जान है, मेरा सब कुछ है। क्या बात है छोटी बहन, आजकल मैं देख रहा हूँ जीजा जी की पूरी तरह से चाल ढाल ही बदलती जा रही है, क्या बात हो सकती है? अरे हमेशा एक जैसी शक्ल बनाकर रहते हैं तो भगवान ने सलाह दी होगी कि जरा हंस के जियो। क्या रे रायडू? हाँ जी, आज तक तुम लोगों ने मुझे इतना खुश कभी नहीं देखा ना। मैं भी सोचता था कि इस दुनिया में अकेला हूं, लेकिन आज मैं अकेला नहीं, मुझे सब कुछ मिल गया है। मैंने पता लगा लिया है, मेरा खून, मेरा असली वारिस यहीं इसी गांव में रहता है। उसे लाकर, अपनी सारी जमींदारी उसे सौंप कर मैं मुक्त होना चाहता हूं। लेकिन वो कौन है जीजा जी? वो हमेशा हमारी आंखों के सामने घूमता रहता था, रामू।
मालिक। नमस्ते मालिक। बेटा रुको बेटा। मेरा सगा बेटा आंखों के सामने घूमता रहा और मैं नादान अपने खून को भी नहीं पहचान सका। हाँ बेटा, मुझे सब कुछ पता चल गया। मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे सगे बेटे हो। मैं सच कह रहा हूँ बेटा, सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। पिताजी। बेटा एक बार और पिताजी कहकर बुलाओ। पिताजी। आओ बेटा, ये तुम्हारा ही घर है। अरे भांजे को खाना परोसो छोटी बहन। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में यह खुशी वापस आएगी। खुशी के मारे मुझे भूख नहीं लग रही है। मेरा भी यही हाल है। हमारा बेटा हमें वापस मिल गया इस खुशी में। अपने हाथों से ही ये खाना बनाया है। तुम्हें तो भूख लगी होगी ना बेटा, खाओ ना। रामू। अरे मेम साहब आप आइए ना। तुम मुझे बिना बताए यहाँ आ गए। मैं तुमसे ये पूछने नहीं आई हूँ। इतने सालों बाद तुम्हें तुम्हारा परिवार मिला है और मैं यहाँ पर वो खुशी खराब करने नहीं आई हूँ, और ना ही तुम्हारे साथ यहाँ पर खाना खाने आई हूँ। मैं तो उम्मीद भी नहीं करती कि तुम मुझे अंदर बुलाओगे। एक बार पैसे वाला बनने के बाद अन्नदाता सुखी भव कहने वाला रामू, जो पहला निवाला मुझे खिलाता था, अब बदल चुका है। बड़े घर में रहने के बाद, महंगे कपड़े पहनने के बाद, परिवार का प्यार मिलने के बाद, हमारा रामू अब हमारा नहीं रहा। वो तो अब बड़े साहब का बेटा हो गया है। सच में भूल गया था मैम साहब, लेकिन अभी तक मैंने खाना खाया नहीं है। अन्नदाता सुखी भव, लीजिए पिताजी। नहीं नहीं, इनको बीपी है ना, तो ये खाना नहीं खा सकते हैं बेटा। ठीक है तो आप खा लीजिए छोटी माँ। आज छोटी बहन का व्रत है। हाँ बेटा, व्रत की वजह से नहीं खा सकती। अच्छा तो ठीक है, तो फिर मुझे खिला दो। खिलाओ ना। ये निवाला कोई नहीं खाएगा, जानते हो क्यों? क्योंकि इसमें जहर मिला हुआ है। जिसने इनको जहर दिया उसी आचार्य ने मुझे बताया, इसीलिए मैं यहाँ पर चली आई हूँ। तुम्हें तुम्हारे अपनों से दूर करने के लिए नहीं, लेकिन तुम्हारी जान बचाना मेरे लिए ज्यादा जरूरी था रामू, इसीलिए मैं यहाँ पर चली आई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, लेकिन आप मेरे पिताजी, आपके कहने पर मैं यहाँ आया। मैं अपने आप तो यहाँ पर नहीं आया था। माँ बाप का प्यार मुझे कभी नसीब नहीं हुआ। मेरे अपने यहाँ पर, इसलिए मैं कितना खुश होकर यहाँ पर आया था। पर यहाँ आकर पता चला कि यहाँ पर इंसान नहीं रहते, यहाँ पर तो सबके सब कातिल रहते हैं। पैसों के लिए अपनों का खून करने वाले रहते हैं। अनाथों की तरह जीने वाला मैं, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए आपकी दौलत बेटा, नहीं चाहिए बेटा। मैं अनाथ की तरह जिया हूँ और आगे भी अनाथ की तरह जीऊंगा बेटा। नहीं, मुझे बेटा मत कहिए। अमीरों के घर में प्यार नहीं मिलता, ये मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं अनाथ हूँ, मैं अनाथ हूँ। राक्षस नहीं, झूठा प्यार दिखाकर मेरे बेटे को मारना चाहती थी तुम। मुझे यह सजा मिलनी ही चाहिए थी, लेकिन अब और देर नहीं। कल ही पूरे गांव को बुलाकर सब लोगों के सामने बोल दूंगा कि रामू ही मेरा बेटा और इस सारी जायदाद का असली वारिस है। जिस जायदाद को पाने के लिए तुम लोग उसे मारना चाहते थे, अब उसकी एक फूटी कौड़ी तुम लोग को नहीं मिलेगी। रामू।
मैं अपनी थैली ले जाऊं। क्या हुआ? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे छोड़कर? ये गांव छोड़कर? जब तुम अनाथ थे तब तो पूरा गांव तुम्हारा था। आज जब पता चला है कि ये गांव तुम्हारा अपना है तो इसे छोड़कर जा रहे हो? इस गांव में गंदी राजनीति, यहाँ के लोग दौलत के लिए अपनों को मारने को तैयार है। तुम्हारा अपना एक भरा पूरा खानदान है, उसका एक इतिहास है। ऐसा मत कहिए मेम साहब, मत कहिए। मुझे ये सारी धन दौलत नहीं चाहिए। यहाँ का जमींदार बनकर मुझे नहीं जीना है। जहाँ पर दौलत होती है मेम साहब, वहाँ पर ब्याह नहीं होता। आपको बिना बताए पिताजी से मिलने चला गया। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी मेम साहब, सबसे बड़ी गलती। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद मैं भी यही करती। तुम्हारे पिताजी की ये गलती थी कि उन्होंने तुम्हारी माँ की मांग में सिंदूर भरने से पहले ही उन्हें गर्भवती कर दिया था। तुम्हारी माँ तुम्हारे पिता का नाम तुम्हें बताने से पहले ही चली गई, और तुम बड़े साहब के बेटे हो, ये विधि ने बताने नहीं दिया। ये विधि की गलती थी। जिसको पता चलना चाहिए उसको पता चलने ना दिया, ये उस भगवान की गलती है। इन सब गलतियों के बीच में तुम अपने पिता को बीच मझधार में छोड़कर जा रहे हो, और वो सबसे बड़ी गलती तुम कर रहे हो। आज जो तुम्हें मारने की कोशिश की गई उसमें तुम्हारे पिता की कोई गलती नहीं है, उसका जिम्मेदार है राइडू। वही सारी परेशानी की जड़ है। जब उसे पता चला कि तुम बड़े साहब के बेटे हो तो उसने तुम्हें मारने की कोशिश की, और अब तुम्हें क्या लगता है कि वो सब लोग तुम्हारे पिताजी को आसानी से छोड़ देंगे? तुम जानते हो वो ये सब क्यों कर रहे हैं? दौलत और जायदाद के लिए। और तुम अपने पिता को ऐसे अकेला छोड़कर चले जाओगे, वो भी ऐसे मौके पर जब उन्हें तुम्हारी जरूरत है? तुम अपना मुंह छुपाकर इस गांव को छोड़कर जाना चाहते हो? उन राक्षसों से तुम्हारे पिता को बचाना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। पूरे गांव वालों के सामने तुम उनके बेटे हो, ये उन्हें कहना चाहिए। वो तुम जैसे बेटे के पिता हैं, उन्हें गर्व होना चाहिए। तुम्हें तुम्हारे पिता को सम्मान दिलाकर उनकी रक्षा करके अपना कर्तव्य पूरा करना होगा। ये तुम्हारे लिए गर्व की बात है। उनकी जायदाद की रक्षा करके एक अच्छे बेटे का फर्ज निभाओगे तो ये मेरे लिए भी एक गर्व की बात होगी। क्या तुम अपनी मेम साहब से इस बात का वादा कर सकते हो? फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। जीजा जी की बातों से लग रहा है कि वो पूरे गांव वालों के सामने उस रामू को ही अपना बेटा घोषित कर देंगे, फिर ये सारी जायदाद उसकी हो जाएगी। मुझे पूरी जिंदगी उनसे किसी भी तरह की कोई भी खुशी नहीं मिली। उनसे मुझे यही उम्मीद थी कि उनकी पूरी जायदाद मेरी हो जाने के बाद मैं उस पर राज करूंगी। मैं ये दौलत पाने के लिए अपना मंगलसूत्र भी निकाल सकती हूँ। उनकी मौत ही हमारे लिए जश्न है। शाबाश बहन, शाबाश। हमारे जीजा जी हजारों साल तक जिए, मैं बिल्कुल ऐसा ही चाहता था। लेकिन जब खुद ही अपना मंगलसूत्र उतारना चाहती हो तो कल जीजा जी का आखिरी दिन होगा। रामू, रामू, मेरे पिताजी और बुआ ने पुराने बंगले में तुम्हारे पिताजी को मारने का प्लान बनाया है। मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी को लेकर उसी बंगले में गए हैं। जाओ रामू, शायद तुम्हारे पिताजी की जान को खतरा है। जल्दी जाओ। तुम गांव वालों के सामने कहो कि रामू तुम्हारा बेटा है, उससे पहले ही तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। साइन करो, साइन करो, इधर साइन करो। तुम लोग क्या देख रहे हो? जाओ साइन करो।
साइन करो। अरे छोड़ दे। बड़े साहब की पत्नी, उनके साले, उनका बेटा और उनके साथियों को मारने के जुर्म में हम रामू को अरेस्ट करते हैं। चुप हो जाओ। अगर इसकी गिरफ्तारी नहीं चाहते तो आप में से जो कोई इसका अपना हो वो इसकी जमानत दे दे और इस जमानत पेपर पर साइन करें। रामू हमारे लिए देवता समान है, हम अपनी जान देकर भी रामू को बचाएंगे। लेकिन आप लोग साइन बिल्कुल नहीं कर सकते। कोई सगा रिश्ता होना चाहिए, यानी के माँ बाप या पत्नी। क्या आप लोगों में से कोई है? हाँ है। पिताजी मुझे एक वचन दीजिए। बोलो बेटा। जब मैं दुनिया वालों को इतना कुछ दे सकता हूँ तो तुम तो मेरे बेटे हो। मुझसे पहली बार तुमने कुछ कहा है तो मैं भला क्यों नहीं पूरा करूंगा। जो मांगोगे वो दूंगा, मैं वचन देता हूं। सच है, लेकिन कभी दुनिया के सामने आप इस सच्चाई को नहीं बोलेंगे कि मैं आपका बेटा हूं। बेटा? हाँ पिताजी, मेरी मां ने मरते समय तक कभी किसी को नहीं बताया कि मैं आपका बेटा हूं, क्योंकि अगर लोगों को पता चल जाता तो इससे आपकी मान मर्यादा, आपकी इज्जत प्रतिष्ठा सब मिट्टी में मिल जाते हैं। आपकी प्रतिष्ठा और मान मर्यादा बचाना सिर्फ मां की जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी भी है। बताइए रंगनाथ जी, बताइए कि रामू कौन है, बताइए आपका और रामू का क्या रिश्ता है। ये बात सारे गांव के सामने अपने मुंह से बताइए, बताइए, बताइए कि आपका और रामू का क्या रिश्ता है। नहीं बेटी, रामू ने यह हक मुझसे छीन लिया और ये बात मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता बेटी। इसका मतलब इसका कोई नहीं है, ये अनाथ लड़का है, कोई इसकी जमानत नहीं दे सकता। ले चलो इसे। रुकिए, मैं हूँ। मैडम आप? मैं इनकी पत्नी हूँ, मैं इनकी पत्नी हूँ। ये क्या मेम साहब, आप ही ने तो मुझे जीना सिखाया है, आपने मुझे बोलना सिखाया, आप तो मेरे लिए एक देवता समान है और आप मेरी 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 सच कहूं तो मेरी नजरों में औरत की इज्जत करने वाला भगवान से भी बढ़कर है। लेकिन बिना मंगलसूत्र बांधे इनकी पत्नी क्यों नहीं हो सकती? ऐसे कितने मर्द हैं जो शादी के बाद अपनी पत्नी की रक्षा कर रहे हैं, पत्नी का साथ दे रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी पत्नी को पूरा सम्मान देते हैं, उसकी हर तकलीफ में उसका साथ देते हैं। बताइए, एक मर्द अपनी पत्नी को आखिरी वक्त तक, यहाँ तक कि 7 जन्मों तक उसकी रक्षा और हिफाजत का वादा करे, उसी का नाम मंगलसूत्र है। मंगलसूत्र बांधने के बाद
पत्नी को प्यार मोहब्बत दुलार और इज्जत देनी चाहिए। ऐसे कितने मर्द हैं जो अपना ये वादा पूरा करते हैं? है किसी के पास जवाब? हाँ, लेकिन रामू ने मंगलसूत्र बांधने से पहले ही मुझे ये सब कुछ दे दिया है। उसने अपनी जान पर खेल के भी मेरी जान बचाई है, लेकिन इतने दिन मेरे साथ मेरे घर में रहने के बाद भी उसने मुझे बुरी नजरों से नहीं देखा। एक मर्द की तरह उसने मेरी रक्षा की है, और रामू जैसा आदमी मेरा पति है, इस बात का मुझे गर्व महसूस हो रहा है। रामू, जो मंगलसूत्र तुम मुझे भेंट करना चाहते थे, वो तुम अपने हाथों से मेरे गले में बांधोगे? मैं उसे भी भेंट समझूंगी, और उस भेंट के लिए मैं तुम्हारा वापस आने तक इंतजार करूंगी।